क्या रेशो रही है क्यों वीज़ाज़ डिले हुए हैं क्यों वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए हैं यूके की नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी है और अगर आप जनवरी में आपके लिए क्या ऑप्शन है इस बार इतना जो है ना वो स्टूडेंट नहीं जाएगा यूके में स्टूडेंट्स ने कुछ एजेंट्स ने ये मशहूर कर दिया जी लैंग्वेज शर्ट वालों को रिप्लाई नहीं आ रहे ऑक्सफोर्ड वालों को रिप्लाई नहीं आ रहे ज... सलाकम एंड वेलकम टू तो अवर यूट्यूब चैनल माई इज़ अजीम कासिम कासे मैं ना फाउंडर्स एडीफा ग्रुप ऑफ कंपनीज a group of companies, वी provide information regarding study abroad, immigration, career काउंसिल आज की वीडियो है uh, सितंबर यूके का जो इंटेक गुजरा है 2024 का उसको कंक्लूड करेंगे आज की वीडियो में कि क्या रिस्पॉन्स रहा कैसे uh, कितने बच्चों ने अप्लाई किया ओवरऑल क्या रेशो लगी वीज़ाज़ की काफ़ी वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए इस बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई बिलीव तकरीबन चार से पाँच साल बाद जाके जो वीज़ा जो रिफ़्यूज़ल uh, का रेशो है यू का वो एकदम से स्पाइक किया है और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को डिलेज़ फेस करना पड़े हैं वीज़ाज़ के अंदर तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सप्तम्बर इनटेक uh, क्या uh, रेशो रही है क्यों वीज़ाज़ डिले हुए हैं क्यों वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए हैं यूके की नेक्स्ट क्या स्ट्रेटी है और अगर आप uh, सितंबर में नहीं जा सके सम आओ फॉर मैनी रीज़न्स तो अब आप जनवरी में आपके लिए क्या ऑप्शन है तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा और आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सके सप्तम्बर ट्वेंटी फोर इंट एक अच्छा बिफोर आई मूव टू द मेन टॉपिक इस बार फिर यू में जो है ना सप्तम्बर 24 फोर इंट एक में बहुत ज़्यादा रश रहा है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट एंड एक बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार इतना जो है ना वो स्टूडेंट नहीं जाएगा यू में और यू के बढ़ गया यू के मर गया जॉब्स नहीं है ये नहीं है वो नहीं है पता नहीं क्या क्या उसके बावजूद आ, इस बार फिर यू के जो है ना वो हाईएस्ट इनमेंट जो है ना वो ओवरऑल अगर हम डाटा देखें ऑफिशियल वेबसाइट्स का हाईएस्ट जो आ, इस वक्त का टर्न राउंड रहा है स्टूडेंट्स का कैनाडा ऑस्ट्रेलिया यू एस एोरप सब कंट्रीज़ मिला के उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना वो फिर से यू ही है उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं मल्टीपल रीजनस हैं खैर उस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे तो सितंबर इन टेक के अंदर बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ डिले डिले हुए हैं वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुए हैं अच्छा रिफ्यूज़ल की क्या वजह बनी मेन अब ये मैं एक्सली बता रहा हूँ आपको ताकि आप जनवरी इन के लिए या जो मिड ईयर इंटेक आ रहा है नवंबर का इंटेक आ रहा है अभी नेक्स्ट मंथ में भी एक इंटेक चल रहा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का तो उसमें जो है ना वो अब आपने क्या जो है ना चीज़ों को फोरकास्ट करना है और कैसे आपने जो है ना अवॉइड करना है आपका जो है ना वो रिफ्यूज़ल ना आ सके नेक्स्ट डे के अंदर अच्छा जिनका रिफ्यूज़ल आ गया है उनके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि उनका क्या नेक्स्ट जो है ना प्लान हो सकता है कैसे जो है ना वो आ, अब वीज़ा ले सकते हैं एडमिन रिव्यू क्या होता है कुछ, आ, सारा कुछ जो है ना उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छा अब जहाँ तक वीज़ा रिफ्यूज़ल की बात है जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू मैं मैंने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ के ऊपर इतनी वीडियोज़ बनाई इतनी वीडियोज़ बनाई कि भाई आ, अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें इतने जेनेरिक और बच्चों वाले आंसर दिए हैं मेरे पास कुछ रिफ्यूजर्स आए हैं ग्रुप्स में भी मैं एक्टिव रहता हूँ तो मेरे पास कुछ लीगल ओपिनियन के लिए भी आ जाता है कि सर ये इसको देखें ये क्या इसकेडमी रिव्यू बन सकता है क्या नहीं बन सकता इतने बच्चों वाले आंसर किए हैं स्टूडेंट्स ने कि आप पूरी स्टेटमेंट जो है ना कोर्ट नहीं कर रहे तो जब भी आपसे पूछते हैं वाई डिड यू चूज़ यू के यू के इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन मैं हज़ार बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर कि भाई दिस इज़ नॉट द आंसर आप एक्सप्लेन करें हमने मल्टीपल वीडियोस अपलोड की हुई हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक एक घंटे की वीडियोस भी अपलोड की हुई है उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि आपने कैसे इंटरव्यू पास करना है कैसे आंसर को जो है ना एक्सप्लन करना है तो मैं द रीज़न इज़ आई एम टेलिंग यू के नेक्स्ट uh, भी जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं आपने इंटरव्यू को जो है ना वो ईज़ी नहीं लेना और इंटरव्यू को जो है ना वो वेल प्रिपेयर होकर जाना है इंटरव्यू के लिए और आंसर्स को जो है ना वो विद लॉजिक विद फैक्ट एंड फिगर्स विद examples आपने आंसर करना है कि अगर आप सपोज़ कह रहे हैं कि यूके की स्टडी जो है ना वो वाई डिड यू चूज़ यू के बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है तो उसमें आपके पास मल्टीपल रीजनिंग हो अ यू के का वेदर अच्छा है अभी यू के का भाई वेदर अच्छा है तो आप मरी चल जाओ नशे के लिए जाके पढ़ लो यू के का जो है ना वो माहौल अच्छा है माहौल तो हमारा डी एच ए रहा है बड़ा अच्छा है तो इस तरह की बातें नहीं करनी फैक्स एंड फिगर्स बताएं कि यूके में कितना स्टूडेंट आ रहा है फैक्स एंड फिगर्स बताएं कि आप उसमें जो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ऑफिशियल क्यू की रैंकिंग जो है ना पब्लिश करें कि फ्रॉम द लास्ट मैनीयर्स अकॉर्डिंग टू द क्यू रैंकिंग दिस 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 क्योंकि वो फैक्स एंड फिगर्स की बात करते हैं वो ऐसे नहीं है कि हवा में आपने कोई भी बात कर ली मान जाएंगे और अगर आप अपने कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं जॉब्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी जाकर जो है ना आपने वो प्रॉपर एक्सप्लेन करना है उनको उसके लिए आपको क्रेडिबिलिटी जो है ना मैंने इंटरव्यू की वीडियोस लगाई हुई हैं वो उसको देख लीजिएगा उसमें मैंने काफ़ी हद तक जो चीज़ें जो है ना वो क्लियर की हुई हैं अच्छा मूविंग ऑन नेक्स्ट डिलेज आए हैं जो अभी तक जिनके रिप्लाई नहीं आ रहा बच्चों के वीज़ाज़ जो है ना अभी तक एम्बेसी में आज चौदह अक्टूबर हो गई है स्टिल वी आर हमारे अपने भी काफ़ी वीज़ाज हैं एटी प्लस हैं जो इस वक्त उनका रिप्लाई नहीं आ रहा उसकी मेन वजह यही है कि पाकिस्तान हैज़ अगेन वंस अगेन बिकम अ लेट मार्केट ये हमने भी भी आ, हम जब मैं बैठा होता हूँ मीटिंग्स के अंदर तो यही बात हो रही होती है कि पाकिस्तान एक बार फिर जो है ना वो लेट मार्केट बन गई है कि बहुत एंड पे जाकर कर रिस्पॉन्स करते हैं कि बस अब टाइम आ गया तो अब बैंक स्टेटमेंट भी स्टार्ट कर दो अब ये भी कर दो अब जिनका वीज़ा अप्लाई किया था मई में, में जून में जुलाई में वो सब बच्चे ट्रैवल करके जा चुके हैं प्रॉब्लम किन को आ रहा है प्रॉब्लम उन्हीं को आ रहा है जिन्होंने बिल्कुल अलेवेंथ हार में जा अपनी स्टेटमेंट तैयार की अलेवेंथ हार में जा कैश लिया और बिल्कुल इनटेक से पंद्रह दिन पहले बीस दिन पहले जो है ना जाके आपने वीज़ा फ़ाइल किया तो अभी तक जो है ना वो लटके हुए हैं उनका रिप्लाई नहीं आ रहा अब जैन एंड टेक के लिए जैन एंड टेक के लिए अगर आपका प्लान है यू के जाने का तो आई वुड हाईली रिकमेंड हाईली 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 रिकमेंड कि भाई आ, इस बार जो है ना अपनी स्टेटमेंट लेट ना करना क्योंकि आगे छुट्टियाँ भी आनी है विंटर्स की क्रिसमस हॉलीडेज़ आनी है पंद्रह दिसंबर से ऑनवर्ड बहुत लिमिटेड स्टाफ काम करेगा बेसिका तो यू हैव टू इन यू हैव टू इन योर वीज़ा जो है ना आपने लॉग इन करना है वीज़ा फ़ाइल लॉग इन करनी है बाय टेंथ ऑफ नवंबर बाई ऑफ़ नवंबर इससे लेट आपने नहीं जाना uh, उसके बावजूद तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का लेट होना है वैसे तो वीज़ा एप्लीकेशन चलेंगी जाकर दिसंबर तक लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा उसके बाद फिर देर आर हाई चांसेज मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा फिर उसका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा हर बच्चे को अप्लाई नहीं आएगा इस बार भी जिन्होंने लेट वीज़ा फ़ाइल किया था उनमें से भी जो है ना वो कुछ बच्चों का तीन दिन में आ गया कुछ का चार दिन में आ गया कुछ का महीना हो गया रि रिप्लाई आ रहा <coughs> तो द थिंग इज़ के देर आर चांसेस कि अगर आप लेट वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं तो फिर आप लटक सकते हैं तो उस पर फिर आपको पता है बैंक स्टेटमेंट भी होल्ड करनी पड़ेगी फॉर अनलिमिटेड टाइम तक वो दो माह भी हो सकते हैं वो तीन माह भी हो सकते हैं तो उस सिचुएशन को अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप अपना जो वीज़ा है ना वो टाइमली फाइल करें जैन के लिए अभी से अब आप बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर दें अपनी चूँकि अभी भी मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं देख रहा था कि जो हमारे पास मेरे अपने स्टैट्स हैं इस वक्त हमारे आई के तकरीबन तकरीबन वन फिफ्टी सेवन स्टूडेंट्स ने जो है ना वो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर दी हुई है जो जैन मन डेक में जाना चाह रहे हैं तो अभी ये पंद्रह बीस दिन में तकरीबन जो है ना वो जब बीस एक माह के अंदर तक कोई सेवनटी एटी मजीद या हंड्रेड प्लस जो है ना जो कि मैं अभी देख रहा था बट सिस्टम में तो ये सारे का सारा रश जो है ना अभी ये ओवरऑल और भी ज़्यादा बाजार कंपनीज काम कर रही हैं तो ये रश एकदम से दोबारा फिर बढ़ जाएगा तो मेक श्योर ख़ास तौर पे जो हमारे ओ लेवल्स के ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं आप ऑलरेडी अपना सब कंपनी टेक्स ज़ाया कर चुके हैं आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना जो है ना नेक्स्ट टाइम वेस्ट करें और दोबारा जो है ना फिर वेट करें अपने वीज़ा का और फिर डिले होगा तो इस चीज़ को अवॉइड करें और जिनका वीज़ा डिले हो गया है जिनका नहीं आया वो डेफ़र करवा लें देर इज़ नो अदर आल्टरनेटिव एंड देर इज़ नो अदर रेमेडी कि आप जो है ना वो अब जाके उसको कैसे अवेल करेंगे सितंबर डे को क्योंकि तकरीबन 90 परसेंट यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना वो डेडलाइन गुजर चुकी है लेट अरावल की भी और हर चीज़ जो है ना बाई हो चुकी है अच्छा जिस तरह हमने एडीफे ने प्रोटेस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर आप हमें फ़ॉलो करते हैं तो कि भाई आपने जो पॉलिसी चेंज की है वो क्यों की इसी तरह का सेम प्रोटेस्ट सेम जो है ना वो स्टांस लेके अब मैं इनशाला तीन तो यू के जा रहा हूँ वेरी सोन आप लोगों को गुड न्यूज़ दूंगा और वहाँ जा कर जो है ना मैं ये स्टांस रखूँगा कि भाई आप या तो जो है ना वो वीज़ा अप्लीकेशन एक्सेप्ट ना किया करें अगर कर लिया करें तो उसके ऊपर फिर रिप्लाई किया करें यह तीन तीन माम बच्चों को लटकाया मत करें इससे टाइम वेस्ट होता है इससे उनका मॉर डाउन होता है और नुकसान होता है बच्चों का खैर ये तो अभी इसको टाइम लगेगा इस चीज़ को आ, अब आपका अगर ये स्टिल यू आर वेटिंग फॉर द जो आपका ये अब आप बहुत सारे बच्चे ई भी कर रहे हैं एम्बेसी को तीन तीन बार चार चार बार ई कर रहे हैं और अभी ये भी हो रहा है कि वीज़ा इंटरव्यू इंटरव्यू स्केजल होता है इंटरव्यू करने आता है इंटरव्यू लेकिन इंटरव्यू करता नहीं है या आता नहीं है ये प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो इन सब चीज़ों का द बॉटम लाइन जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस वीडियो में वो ये है कि आपने जो वीज़ा फाइल है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल अप्लाई करें फॉर द जन एंड टेक ताकि आपके डिलेज़ ना आएँ ताकि आपके मज़ीद जो है ना वो प्रॉब्लम्स ना आएँ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड की ई मेल ना आपको आए आपका जो है ना वो आ, जितना आप अर्ली अप्लाई करेंगे देर आर लेस चांसेस के आपके इंटरव्यूज़ होंगे चूँकि यू के ने भी जो है ना वो थोड़ा सा अपना जो है ना वो अनाउंसड कोटा जो है ना पाकिस्तान के लिए रख दिया है कि अब हमने पाकिस्तान से इतने बच्चे लेने हैं और वो आ, उस बैक एंड पे उस पर काम कर रहे होते हैं अगर आप उससे एप्लीकेशन ऊपर जाएंगी तो ओबली उस पर फिर आपको डिले फ़ेस करना पड़ेगा ये चीज़ होगी अच्छा उसके अलावा बहुत सारी ऐसी रियूमर्स आ रही थी अच्छा वैसे मैं तो सब टेस्ट के हमारत में नहीं होता मैं आई एम अगेंस्ट द ऑक्सफोर्ड एंड लैंग सर्ट दो के उसका बेनिफिट मिल जाता है आप लोगों को उसमें आपको आ, जो है ना वो फ़ी भी कम है और अदर भी हिडन बेनिफिट्स हैं आप लोगों को समझ तो आप गए होंगे तो आ, मैं उस पर बात नहीं करता लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ एजेंट्स ने ये मशहूर कर दिया जी लैंग्वेज शर्ट वालों को रिप्लाई नहीं आ रहे ऑक्सफोर्ड वालों को रिप्लाई नहीं आ रहे जिनका लेटर ऑफ जिनका इंग्लिश लेटर था उनके वीज़ा जो है ना वो रिफ़्यूज़ होना शुरू हो गया उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ मैं अगर अपनी भी बात करूँ मेरे इस वक्त एटी थ्री वीज़ाज़ पेंडिंग है उसमें ए लेवल्स वाले बच्चे भी हैं ओ लेवल्स वाले बच्चे भी हैं उसमें फ़ॉरन डिग्री होल्डर यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन ग्रेजुएट्स भी हैं उसके अंदर मल्टीपल जो है ना वो स्टूडेंट्स है और वजह यही है जिन्होंने लेट अप्लाई किया जिन्होंने डिले किया वीज़ाज़ के अंदर तो इस चीज़ को भी जो है ना वो आप बेंच मार्क मत बनाएं कि इसकी वजह से वीज़ा लेट हुआ उसकी वजह से वीज़ा लेट हुआ वीज़ा लेट हुआ है आपकी अपनी वजह से और आप उसको अवॉइड कर सकते हैं और अभी अगर आपके पास अभी आपका ये सितंबर का नहीं आया तो उसको डेफर करवा के अपना अर्ली वीज़ा ले आप जनवरी में ट्रैवल कर सकते हैं अच्छा अब जनवरी के लिए मैं दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको जो है ना वो एक तो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो एज़ सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करें ताकि आपका जो है ना मज़ीद डिलेज ना आ सकें इसके लिए अम्बेसी के लिए यूनिवर्सिटी के लिए और कोशिश करें कि आप पीटीई की तरफ जाएं इसलिए नहीं कि लैंग्वेज में ऑक्सफर्ड में वीज़ा बैरियर्स है इसलिए कि आई एस पी टी जो है ना वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है और आ, कल को आपको कोई मजीद आ, किसी को यूनिवर्सिटी टेस्ट बंद करती है तो फिर अगर आपके पास वो टेस्ट नहीं होगा तो आप जैसी बात है फिर आपको वो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा टेस्ट और मल्टीपल टेस्ट देने पड़ेंगे इसलिए उसको जो है ना अवॉइड करें वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको सितंबर इन टेक की कुछ हाइलाइट्स दे सके अच्छा अब बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स गए हैं सितंबर इन टेक के अंदर एज ऑफ नाउ आई डू नॉट हैव एनी एग्जैक्ट फिगर कितने बच्चे गए हैं लेकिन जो uh, जो ओवरऑल मैंने डाटा देखा है यूनिवर्सिटीज़ का और uh, uh, जितने भी अभी पास uh, में कॉन्फ्रेंस हुई हैं उसके मुताबिक uh, तकरीबन तकरीबन ट्वेंटी uh, थाउजेंड प्लस बीस हज़ार से प्लस जो है ना वो स्टूडेंट जो है ना वो उसने यू के अप्लाई किया था इस साल और जिनके बीस ग्रांट हुए हैं और जैन में आई कैन सी के तकरीबन बीस से बाईस हज़ार बच्चा जो है ना वो आ, फिर जाएगा अच्छा अब इसके ऊपर बच्चे बहस करते इतना बच्चा जा रहा है फिर वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी उसके उसके लिए मैं एक्सेप्ट से वीडियो बना दूँगा ये वीडियो है कि अब आप जो है ना वो जनवरी टे के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट में स्टार्ट कर लें और एज फूर एज पॉसिबल अपना आर्ट्स दें पी दें ताकि आपके वीज़ा जो है ना मजीद डिले ना हो सके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कीजिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़